उस तहरीक के फ्रंट के लोगों में से, और माशाल्लाह
ये मस्जिद मैं समझता हूं कि उस तहरीक का आगाज वाली जगह है, और 7 जनवरी की वो पहली तारीख साज रही कि जो मैं और आप लेकर आज के रसूल जनाब मोहतरम मलक मुमताज हुसैन कादरी साहब के घर गए थे, वो आज तक पेटों में दर्द उठा रही है। उस हवाले से चूंकि इस तहरीक का आगाज इस मस्जिद से हुआ है, लिहाजा उस तहरीक पर उठने वाली उंगलियों का जवाब भी इसी मस्जिद से दिया जाएगा। हम इस चीज के कायल या पाबंद नहीं है कि हम किसी को दोबारा कलमे पढ़ाएं। जिन्होंने मानना होता है वो हबशे से आकर भी मान जाते हैं, और जिन्होंने नहीं मानना होता वो मक्के में बैठकर भी नहीं मानते। जिन्होंने मानना होता है वो सिर्फ मेरे मदनी की चलती हुई दौर को देखकर भी मान जाते हैं, और जिन्होंने नहीं मानना होता वो नबी की हाथ में कंकरियों के कलमे पड़ता सुनता देखकर, चांद के दो टुकड़े होता देखकर, सूरज के वापस पलटने को देखकर भी जिन्होंने नहीं मानना होता वो नहीं मानते। हकीकत यह है कि हम किसी को मनवाने के लिए नहीं। मैं जो आप मेरे सुनने वाले और इसी तरह जो नेट के जरिए से लाखों हमारे चाहने वाले हैं, हम उनके इत्मीनान कल्बी के लिए आज कोई गुण मान लेके आए हैं, और इंशाअल्लाह कुरान सुन्नत की रोशनी में हकायक को आपके सामने करेंगे ताकि पता चले कि हक क्या है और बातिल क्या है। 25 सितंबर बरोज इतवार एक कादियानी एंकर को इंटरव्यू देते हुए डॉक्टर मोहम्मद ताहिर कादरी साहब ने पूरे घंटे का इंटरव्यू दिया। उसमें 3 चीजें थी कि जिन पर हमें इख्तिलाफ हुआ। उस एंकर ने सवाल किया कि आप पाकिस्तान के अंदर एक कातिल ने सुलेमान तासीर को खुलेआम दिन दिहाड़े कत्ल किया, आप उस कत्ल के बारे में क्या कहेंगे? डॉक्टर मोहम्मद ताहिर कादरी साहब ने जो आगे से जवाब दिया वो जवाब यह था कि नंबर 1, मुमताज हुसैन कादरी वो जो कातिल है उसको सजाए मौत मिलनी चाहिए। नंबर 2, सुलेमान तासीर कोई गुस्ताख नहीं था। और नंबर 3 के सबसे डेंजरस स्टेटमेंट थी ताहिर कादरी साहब की, वो ये थी कि अगर बिन फर्ज कोई गुस्ताख हो तो भी, जुमला क्या है, अगर बिन फर्ज उसने गुस्ताखी की हो तो भी, अगर गुस्ताखी साबित भी हो जाए तो गुस्ताख को कत्ल करने वाले की सजा मौत है। अस्तग़फिरुल्लाह अज़ीम। ये 3 बुनियादी पॉइंट्स थे डॉक्टर साहब के कि जिन पर मेरे समेत पूरे पाकिस्तान के करोड़ों मुसलमानों के दिलों को दुख पहुंचा, उनके दिल दुखे। हमने इब्तिदान खामोशी इख्तियार की कि मुमताज हुसैन कादरी साहब का फैसला उसी हफ्ते होना था कि ये हमारे दुश्मन की साजिश है, कि उन कुवतों की साजिश है कि जिन्होंने सबसे पहले पाकिस्तान के अंदर नामूस रिसालत के कानून को खत्म करने के लिए मीडिया को यूज किया, उसके बाद सुलेमान तासीर, शीरी रहमान और शहबाज भट्टी जैसे अपने बालिकों को भर्ती किया, लेकिन जब मेरे मुमताज कादरी ने उनकी सारी तारीफ की मां मार के रख दी, उसके बाद उनके थिंक टैंक ने 9 महीनों में वर्क किया और उन्होंने कहा ये काम दाढ़ी मुंडों से नहीं होगा, ये काम मौलवियों से करवाएंगे। लिहाजा इसके हवाले से मैं अर्ज करना चाहूंगा कि डॉक्टर मोहम्मद ताहिर कादरी साहब ने ये जो इंटरव्यू दिया ये बिल्कुल फैसला आने से चंद दिन पहले, 4 दिन पहले। मैं सवाल पूछना चाहूंगा कि ये जो पीछे 9 महीने गुजरे डॉक्टर साहब उस वक्त कहां थे, और बिलखसूस उसका जनाजा किसी ने नहीं पड़ा उस मजदार का। अगर इनको इतना दीन पसंद था और उसको गुस्ताख नहीं समझते थे तो खुद जनाजा पढ़ाने तशरीफ ले आते, और अगर खुद जनाजा नहीं पढ़ा सकते थे तो अपने मिनाजुल कुरान यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर और मौलवियों को कहते कि जाओ एक नबी का उम्मती जनाजा उसका नहीं पढ़ाया।
हजार डॉलरों का मसला है। उस हवाले से पहली बात उन्होंने ये कही कि मुमताज कादरी कातिल है, दूसरी बात कही कि सुलेमान कासी ने गुस्ताखी नहीं की, तीसरी बात कही कि अगर कोई गुस्ताख को कत्ल करे तो उसकी सजा मौत है। इनमें से जो तीसरा पॉइंट है मैं उसको डिस्कस करता हूं और उसके जिमन में इंशाल्लाह दूसरी दोनों बातें भी साबित हो जाएंगी और ये रोज़े रोशन की तरह अय्यां हो जाएगा कि ताहिर कादरी साहब की स्टेटमेंट कुरान के खिलाफ, नबी के फरमान के खिलाफ, अल्लाह के नबी के फैसलों के खिलाफ, ये शरीयत की धज्जियां उड़ाने के मुतरादिफ है और हमारा ये इल्मी और इस्लामी हक है, हमारा फर्ज है कि हम ऐसे शख्स को कि जो दीन के स्कॉलर होने के नाम पर, जो दीन और कुरान और सुन्नत के नाम पर उम्मत मुस्लिमा के अंदर, और फिर मैं ये भी अर्ज करना चाहता हूं कि वो जो कौम, वो जो कुव्वतें ना उसे रिसालत के कानून को मिटाने के दर पे थी, उन्होंने ऐसे बंदे को चुना है कि जो इससे पहले इस कानून को बनाने वालों में से था। आज उसके चेले कहते हैं कि बनाए किसने, इसने अकेले नहीं बनाया, 18 लोग थे जिनकी काबिज के नाम से रिसालत का कानून मारे वजूद में आया, उनमें से ताहिर कादरी साहब, उन्होंने भी जाकर अदालत में दलायल दिए हैं। और यही हमें बात चुप रही है, यही हमें बात परेशान कर रही है कि डॉक्टर गांधी जैसे लोग, वो तो है एक दानिया किस्म के लोग हैं, लेकिन ताहिरुल कादरी जो कल अपनी किताब में लिखता था कि गुस्ताखे रसूल जहां मिले उसको तौबा का मौका ही ना दो, वहीं पे भड़का के रख दो, आज वो ये कैसे कह रहा है कि गुस्ताख को ठिकाने लगाने वाले की सजा मौत है। इसके अंदर कुछ ना कुछ तो है, कुछ तो राज है मेरे भाई, कुछ तो हकायक है। और मैं इंशाल्लाह कुरान सुन्नत आपके सामने अर्ज करूंगा, मैं बाएं बाएं में नहीं जाऊंगा। कुरान मजीद सूरह निसा, कुरान मजीद सूरह निसा आयत नंबर 60 इरशाद बारी ताला है, अलम तर इलल लदीन यज़ुमून अन्नहुम आमनू बिमा उनज़िल इलैक वमा وقد امنوا ان يكفروا به طاہر القادری صاحب کی اپنی کتاب ہے تاخذ نام سے رسالت اسی کتاب میں سے میں یہ آیت اور اس کی تشریح آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ اگر میں اپنی طرف سے کچھ کہوں گا تو شاید یہ کہا جائے کہ جناب یہ اپنی طرف سے کہہ رہا ہے ڈاکٹر طاہر القادری صاحب یہ آیت لکھ کر اس کے ضمن میں اس کا شان نزول بیان کرتے ہیں کہ بشیر نام ایک منافق تھا، اس کو ایک یہودی کا آپس میں جھگڑا ہو گیا، دونوں کا جھگڑا ہو گیا اور یہودی یہ چاہ رہا تھا کہ یہ فیصلہ نبی پاک سے کروائیں، اور منافق چونکہ غلط تھا، رام تھا اس معاملے میں، اس کی یہ خواہش تھی کہ یہ فیصلہ کعب بن اشرف جو یہودیوں کا سردار ہے اس سے کروائیں، کیوں کہ وہ پیسہ ویسا لے کر جس کے دل میں مرضی ہوتی فیصلہ کر دیا کرتا تھا، تو اس کا مطلب یہ تھا منافق کا کہ میں تھوڑی رشوت شرکت دوں گا اور اپنے معاملے کو حل کر لوں گا، چنانچہ اس نے کہا کہ نہیں اس سے فیصلہ کروائیں گے، تو جو یہودی وہ کہنے لگا تجھے اپنے نبی کا فیصلہ منظور نہیں ہے، بات دلے نقوافتا حضور کی بارگاہ میں پہنچے، میرے نبی نے یہودی کے حق میں فیصلہ دیا کیونکہ اس معاملے میں وہ حق پر تھا، منافق باہر نکلا کہنے لگا آؤ ذرا فیصلہ کرواتے ہیں، ابوبکر سے مجھے یہ فیصلہ منظور نہیں، جناب صدیق اکبر نے بھی اسی طرح فیصلہ کیا کہ جو رسول اللہ نے فرمایا، پھر کہنے لگا مجھے یہ بھی منظور نہیں ہے، آؤ ہم عمر کی طرف چلتے ہیں، جناب حضرت عمر کے دربار میں پہنچے، جا کر یہودی نے عرض کی اے عمر یہ فیصلہ رسول اللہ کر چکے ہیں اور انہوں نے میرے ہاتھ میں کیا ہے اور یہ مانتا ہی نہیں ہے، آپ نے اس سے تفصیل نہیں پوچھی، آپ نے پوچھا اور پھر آپ نے فرمایا ہاں قضا آپ کا بائنا مطلب
بندہ ہے ورس و قضائے رسول کی, اور جو اللہ اور اس کے رسول کا فیصلہ نہیں مانتا عمر اس کا فیصلہ اس طرح کرتا ہے. طاہر القادری صاحب لکھتے ہیں کہ یہ منافق کے رشتہ دار گئے رسول اللہ کے پاس, دیکھیں جی دیکھیں عمر نے کلمہ گو کو قتل کر دیا, عمر نے مسلمان کو قتل کر دیا. وہ جی کوئی بات ہی نہیں ہوئی, وہ تو بہت ہے کہ صلح کروا دے. عمر نے بجائے صلح کے اس نے اس کے قتل کر کے رکھ دی. میرے نبی نے جب سنا میرے آقا نے فرمایا اے ماں تم تو سن عمر یہ کری اور آپ قتل مومن, اور میں گمان نہیں کرتا کہ ہو میرا عمر اور کسی مومن کو قتل کر دے گا. یہ مومن ہو ہی نہیں سکتے. اللہ اکبر. قرآن